नमस्कार मित्रों, अनेक बार किसी प्रकार का अपराध होने के बाद हम जब लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं तो एक प्रॉब्लम कॉमन लोगों को फेस करने में आती है कि पुलिस जो है वो FIR दर्ज नहीं करती है, यानी पुलिस आपकी कंप्लेंट नहीं लिखती है और कई बार पुलिस जुरिस्डिक्शन का हवाला दे देती है कि भाई ये घटना जो है हमारे थाना क्षेत्र में नहीं हुई है इसलिए हम दर्ज नहीं करेंगे, या कई बार पुलिस कहती है हम पहले जाँच करेंगे। तो इस प्रकार कई बार इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस यदि FIR नहीं लिखती है तो क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, कानूनी क्या उपचार उपलब्ध हैं, आज का वीडियो लेक्चर उसी को लेकर है। हम सभी को पता है अपराध होना अवश्यंभावी है, अपराध होते रहते हैं। कई बार आपके घर के बाहर आपकी गाड़ी चोरी हो जाए तो उसकी FIR लिखवानी पड़ती है, कई बार किसी व्यक्ति द्वारा आपके साथ कोई घटना की गई है जैसे लूट की गई है या किसी व्यक्ति ने गाली गलौज की या किसी व्यक्ति ने हाथापाई की, तो ऐसी स्थिति में लीगल एक्शन जो क्रिमिनल लीगल एक्शन है वो होती है FIR दर्ज कराना। और FIR के लिए CRPC की धारा 154 में पुलिस के लिए कहा गया है कि यदि कॉग्निजिबल ऑफेंस है यानी संज्ञेय अपराध है तो पुलिस को FIR दर्ज करनी चाहिए। अब यहां पर एक शब्द आता है संज्ञेय अपराध, तो ये संज्ञेय अपराध क्या होता है? संज्ञेय को गंभीर अपराध भी कहा जा सकता है, ऐसा अपराध जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजाएं हैं, ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस है, गैर जमानती अपराध है तो पुलिस उस घटना को दर्ज करना चाहिए। जरूरी कि घटना विक्टिम ही बताए, पीड़ित बताए, पीड़ित के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति भी उस घटना की जानकारी यदि पुलिस को देता है तो संबंधित पुलिस को कॉग्निजिबल ऑफेंस होने पर मामले को दर्ज करना चाहिए। और यदि छोटा मोटा मामला है, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है, तो धारा 155 में अदम चेक काटना चाहिए। ये पुलिस के दायित्व बताए गए हैं CRPC के चैप्टर नंबर 12 में। लेकिन प्रायः यह देखने में आता है कि पुलिस ऑलवेज रिफ्यूजेस टू लॉस द रिपोर्ट, यानी कई बार छोटे छोटे मामलों की तो रिपोर्ट दर्ज हो जाती है क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर से या किसी अन्य इंटरेस्ट की वजह से पुलिस छोटे मामलों में तो कई बार मामला दर्ज कर देती, लेकिन कई बार बड़े बड़े और गंभीर मामले होने के बावजूद भी पुलिस मामले को दर्ज नहीं करती है। तो जब ऐसा कोई सिचुएशन होती है तो कानूनी उपचार क्या है, आइए समझते हैं। व्हेन पुलिस रिफ्यूजेस टू FIR, सो टुडेज टॉपिक इज पुलिस FIR ना लिखे तो क्या करना चाहिए। सो इट इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम फेसेस बाय द ऑल पीपल ऑफ द इंडिया दैट पुलिस इज नॉट लॉजिंग द FIR ऑफ द विक्टिम फरियादी, यानी जो व्यक्ति कंप्लेनेंट है, जो फरियाद लेकर न्यायालय पुलिस के पास गया है, उसकी कई बार फरियाद सुनी नहीं जाती है, उसकी कंप्लेंट नहीं लिखी जाती है, और या फरियादी की तरफ से कोई दूसरा व्यक्ति भी जाता है तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ललन चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस यहाँ पर बहुत फेमस है। ललन चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था यदि मामला कॉग्निजिबल है यानी संज्ञेय अपराध है, गंभीर किस्म का अपराध है, तो ऐसी स्थिति में इफ देयर इज कॉग्निजिबल ऑफेंस देन पुलिस ऑफिसर विल नॉट रिफ्यूज टू लॉज द FIR, यानी पुलिस ऑफिसर को रिफ्यूज नहीं करना चाहिए FIR लॉज करने से, पुलिस को लिखना चाहिए, पुलिस मस्ट फाइल द FIR को लॉज करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन चालू कर देनी चाहिए, यानी अन्वेषण प्रारंभ कर देना चाहिए, व्यक्ति की सिग्नेचर ले लेना चाहिए, जिस व्यक्ति ने FIR लिखवाई है उसकी सिग्नेचर लेके या तो रोज नामचा जो बुक होती है थाने में उसमें एंट्री कर लेना चाहिए और केस डायरी में एंट्री करना चाहिए। तो ये सब बातें, ये डायरेक्शंस कोर्ट ने दिए हैं। लेकिन नॉर्मली कई बार ऐसा हम देखते हैं कि बिना पॉलिटिकल प्रेशर के कई बार सुनी नहीं जाती है, फरियाद सुनी नहीं जाती है, तो इस स्थिति में आपके पास क्या कानूनी उपचार है? FIR ना लिखे तो क्या उपचार है? व्हाट आर दी रेमेडीज अवेलेबल इफ पुलिस इज नॉट लॉजिंग द FIR? नंबर वन, सबसे पहली रेमेडी है आपके जिले के SP यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है उनको आप धारा 154 क्लॉज 3 CRPC में एक रिटर्न एप्लीकेशन लिखकर देंगे। उसमें घटना का ब्यौरा तो होगा ही सही, अपराध का ब्यौरा तो आपको लिखना ही है, प्लस उसकी सूचना आपके द्वारा तत्काल थाने में दी गई थी और थाने में जो दी गई थी उसकी जो इनवर्ड कॉपी है वो भी आपको वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जैसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है या जिन जिलों में कमिश्नर सिस्टम लागू है तो कमिश्नर ऑफ पुलिस के सामने देनी चाहिए। तो सबसे पहला उपचार तो ये है। और ये देने के बाद भी इफ दी SP इज ऑल्सो नॉट पेइंग अटेंशन टूवर्ड्स प्रॉब्लम यानी आपकी समस्या की ओर, यदि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा भी ध्यान नहीं दिया गया है और यदि 7-8 दिन बीत गए हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में आप जा सकते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास, यानी आपके जिले में जो भी अदालत है उस पर्टिकुलर थाने के लिए कोड बनी होगी,
उस कोर्ट के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जिसे हम न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कहते हैं, उनके पास जाकर आप धारा 156(3) रीड विद सेक्शन 190 यानी 156(3) प्लस 190 सीआरपीसी की धारा में एक आवेदन देंगे। इसमें सारा ब्यौरा आप बताएंगे कि मेरे साथ यह अपराध हुआ था, जिसकी तत्काल सूचना मेरे द्वारा थाना प्रभारी, स्थानीय थाना प्रभारी को दी गई है, उसका इनवर्ट लेटर है, पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर मैं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास गया, ये उसका इनवर्ट लेटर है, ये दोनों चीजें आप जो मजिस्ट्रेट है उनके सामने आप फाइल करेंगे और वहां पर भी आप फरियाद कर सकते हैं कि मामला दर्ज किया जाए। इसके अलावा हाईकोर्ट भी अप्रोच किया जा सकता है, रिट ऑफ मिंडामस यानी परमादेश याचिका के माध्यम से रिट याचिका भी लगाई जा सकती है, ये तीनों सब उपचार होने के बाद, लेकिन जब कोई उपचार शेष नहीं होता है तब इसका प्रयोग किया जाएगा हाईकोर्ट में, जब तभी जाया जाता है, रिट याचिका तभी लगाई जाती है जब अन्य वैकल्पिक समाधान, आपके पास वैकल्पिक उपकरण, वैकल्पिक साधन मौजूद ना हो तब। इसके अलावा NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग या राज्य मानव अधिकार आयोग में भी इस बात की शिकायत की जा सकती है। आजकल ई फाइलिंग हो जाती है, ई कंप्लेंट भी दर्ज हो जाती है उसकी वेबसाइट पे। इसके अलावा कुछ मामलों में तो ये बताया गया है कि IPC की धारा 166A लग जाएगी उस पुलिस ऑफिसर पर जो FIR नहीं लिखता, लेकिन वो कुछ पर्टिकुलर धाराओं की बात हो रही है, 326AB यानी 326AB में एसिड अटैक की बात है, 354 में मोलेस्टेशन की बात है, छेड़खानी की बात है, 376 यानी लैंगिक हमला रेप की बातें हैं, तो महिला संबंधित जो अपराध है अगर उसकी FIR पुलिस ऑफिसर नहीं लिखता है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तो पुलिस के खिलाफ 166A के तहत भी प्राइवेट कंप्लेंट या कार्रवाई की जा सकती है। तो ये है अल्टरनेट रेमेडीज अवेलेबल, जो आपके पास रेमेडीज अवेलेबल है यदि पुलिस FIR ना लिखे तो। निजी परिवाद के बारे में एक विशेष बात ध्यान रखेंगे, यदि पुलिस FIR नहीं लिखती और हम मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं निजी परिवाद लेके, जैसे हम प्राइवेट कंप्लेंट कहते हैं, तो धारा 200 में बयान दर्ज होंगे कंप्लेनेंट के यानी परिवादी, प्लस परिवादी के जो साक्षी हैं उनके गवाह, उनकी गवाहियां होती है। यदि सारे स्टेटमेंट कंसिस्टेंट है और स्टेटमेंट के बाद जो JMFC है यदि वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि गंभीर मामला था और फिर भी एक्शन नहीं लिया, तो मामला वहां पर भी दर्ज हो जाता है। तो प्राइवेट कंप्लेंट से भी मामला दर्ज होता है, लेकिन धारा 200 के जो कथन होते हैं वो कथन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कथनों में असंगतता नहीं होना चाहिए, इनकंसिस्टेंसीज नहीं होना चाहिए, तो JMFC ये सारी बातें देखते हैं और यदि इनकंसिस्टेंसी पाई जाती है तो 203 में वो परिवाद को रद्द भी कर सकते हैं। तो ये है मित्रों वेन पुलिस रिफ्यूजेस टू FIR। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी।